ये स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन नैनोट्यूब्स ट्यूब्स के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को जो कार्बन नैनोट्यूब्स होते हैं वो दरअसल बहुत स्ट्रॉग होते हैं और अगर आप एक पतले वायर मान लीजिए एक वायर है आपके पास और उस वायर के एंड में एक वेट डब्लू अटैच करते हो और उसको अपने रूम के वॉल पे लगा देते हो तो वो वायर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा जो स्ट्रेस होगा वायर पे उसको लोड के फॉर्म पे हम डिफाइन करेंगे या वेट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के फॉर्म पे डिफाइन करेंगे यानी एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन ए कुछ इस तरीके से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं ठीक है ना और जो स्ट्रेन uh, होगा यहाँ पर उस स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ स्ट्रेच पर यूनिट लेंथ यानी डेल एल अपॉन एल एल जहाँ पे लेंथ ऑफ वायर होगा जब वेट आपने अटैच नहीं किया उसके पहले यहाँ पे लगता है आपका हुक्स लॉ और वो ये कहता है कि लेंथ का जो जितना भी इंक्रीमेंट होगा लेंथ में वो प्रोपोर्शनल होगा वेट के जो कि वायर में लगा हुआ है या फिर हम कहें कि एस जो है वो इज इक्वल्स टू ई इन टू ई या स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ई स्मॉल प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट ई इज़ इक्वल्स टू एल डब्ल्यू अपॉन ए डेल एल ये है यंग्स मॉडल्स और ये जो है ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की ये कैरेक्टराइज़ करता है इलास्टिक फ्लेक्सिबिलिटी को जितना ज़्यादा वैल्यू यंग्स मॉडलर्स का उतना ही मटेरियल कम फ्लेक्सिबल यंग्स मॉडलर्स ऑफ स्टील जैसे थर्टी थाउजेंड टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है रबर के ठीक है कार्बन नैनोट्यूब्स के जो यंग्स मॉडल्स होते हैं उनका रेंज 1.2 समथिंग से लेकर के 1.2 से लेकर के 1.8 पॉइंट टेस्ला पास्कल टेरा पास्कल होता है वन टेरा पास्कल जो प्रेशर है वो टेन रेज टू सेवन टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के होता है ठीक है तो अगर यंग्स मॉडलर्स स्टील का 0.21 पॉइंट है तो इसका मतलब यंग्स मॉडलर्स कार्बन नैनो ट्यूब्स का टेन टाइम्स होगा स्टील के तो ये चीज आपको ये बताती है कि कार्बन नैनोट्यूब्स जो हैं वो बहुत स्टिफ होते हैं और उनको बेंड कर पाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन अगर उनको बेंड कर भी दिया जाए तो वो क्या होते हैं स्ट्रॉ जैसे बकल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में लेकिन टूटते नहीं हैं उनको आप स्ट्रेटन बैक कर सकते हो बिना डैमेज के ज़्यादातर मटेरियल्स जो हैं वो बेंड होने पे फ्रैक्चर हो जाते हैं टूट जाते हैं क्योंकि डिफेक्ट्स या डिसलोकेशंस ग्रेन बाउंड्रीज जैसे डिफेक्ट उनमें मौजूद होते हैं लेकिन क्योंकि कार्बन नैनोट्यूब्स में बहुत कम डिफेक्ट होते हैं उनके स्ट्रक्चर में तो इस वजह से उनमें ये चीज़ नहीं हो पाती है दूसरा रीज़न रीज़न कि वो फ्रैक्चर नहीं हो पाते हैं उसका कारण ये है कि वो बहुत सीवियरली बेंड किए जाते हैं और लगभग एग्जागनल ही होता है कार्बन रिंग जो वॉच में होता है उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है लेकिन वो ब्रेक नहीं होते हैं ठीक है तो जो यूनिक रिजल्ट है इस फैक्ट का कि कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो हैं यहाँ पे एस पी टू बॉन्ड्स बनाते हैं और वो रिहाइब्रिडाइज हो सकते हैं जब उनको बेंड किया जाता है और जो डिग्री ऑफ चेंज है और अमाउंट जो होता है इस मिक्सचर का एस पी एंड मिक्सचर का वो दोनों डिपेंड करता है कि बॉन्ड कितना बैंड हो रहा है अच्छा एक चीज़ और की जो स्ट्रेंथ होती है और होती है दोनों तो अलग चीज़ होती है जब आप यंग्स मॉडल्स की बात कर रहे हो तो यंग्स मॉडल्स मतलब कितना स्टिफ है या कितना फ्लेक्सिबल है मटेरियल टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं मतलब कि कितना कितने स्ट्रेस की ज़रूरत है उस मटेरियल को अलग करने के लिए या दूर करने के लिए तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है कार्बन नैनोट्यूब के वो होते हैं फोर्टी बिलियन पासकल के आसपास ठीक है फोर्टी फाइव बिलियन सोचिए इतना इतना ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ स्टील एलॉयज़ ही टू बिलियन पासकल में टूट जाते हैं तो कार्बन नैनोट्यूब्स तो इसका मतलब ट्वेंटी टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं स्टील से ठीक है तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से भी कार्बन नैनोट्यूब्स काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें कोई डाउट हो उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू